अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये ज़ाहद रज़ा मीर और रमशा खान दोनों ही बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल 2020 का अवार्ड जीत चुके हैं। रमशा खान और आहद रज़ा मीर के कपल को बहुत ज़्यादा पसंद किया पब्लिक ने। जब से ही उन्होंने रमज़ान सीरीज़ हम तुम में काम किया तब से ही इनके कपल को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया था। बहुत प्यार मिला इनको। इसके अलावा ऑफ स्क्रीन भी इनको एक साथ काफ़ी ज़्यादा देखा जाने लगा था और ये लोग अक्सर एक दूसरे के लिए सरप्राइजेज प्लान करते हुए देखे जाते थे। काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी इनके दरमियान। इवन के ये दोनों इवेंट्स पर भी एक साथ ही नज़र आते थे जिसकी वजह से व्यूअर्स ने एज्यूम करना शुरू कर दिया था कि शायद ये दोनों रिलेशन में हैं। लेकिन अगर ये बात सच भी है तो उन्होंने अभी तक अपने रिलेशन को प्राइवेट रखा हुआ है। हम अवार्ड्स की रिहर्सल के दौरान भी इन दोनों को एक साथ ही देखा जा रहा था और अपने फैन से भी इन्होंने एक साथ ही मुलाकात की। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे एक दूसरे के साथ और इनका कपल वैसे ही लोगों का फेवरेट बन चुका है। इससे पहले रमशा खान बिलाल अब्बास के साथ रिलेशन में थी और इनका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा पब्लिक था। ये लोग पब्लिकली अपने रिलेशन को एक्सेप्ट करते थे। प्यारा ऐसा हो तो नहीं सकता कि सिंगल सर मेरी ज़िंदगी में कोई है यकीनन। लेकिन जब आहद रज़ा मीर के साथ उन्होंने हम तुम ड्रामा काम किया उसके बाद आहद रज़ा और रिमशा की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। उसके बाद से ही बिलाल ने इन दोनों को अनफॉलो कर दिया था। अनफॉलो किया रिमशा को और आहद को, ये खबर आग की तरह फैल गई। इससे पहले आहद रज़ा मीर की बिलाल अब्बास से भी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। इसके बाद ये मैटर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था और रिमशा खान की भी कुछ चैट सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है जो कि इस तरह होना नहीं चाहिए।